नमस्कार, निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं घर में किस तरीका से छज्जा निकालना है। आपने बहुत सारा घर में देखा होगा कि सामने की तरफ बालकनी के लिए कुछ इस तरीका से छज्जा का निर्माण किया जाता है, या फिर साइड की तरफ बहुत सारे लोग डिज़ाइन को आकर्षक बनाने के लिए इस तरीका से छज्जा निकालने का काम है वो करते हैं। तो ये सामने का जो छज्जा है उसका नियम क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग छज्जा बनाने में गलती कर देते हैं और बाद में उनको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, क्योंकि कुछ समय के बाद ही जो छज्जा देख पा रहे हो इस तरीके से छज्जा में क्रैक्स आने लगता है, या फिर दरार पड़ता है, या फिर छज्जा कई बार टूटकर गिर भी जाता है। तो आखिर इसका नियम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, छज्जा आपको किस तरीके से बनाना है, कैसे मजबूत बनेगा, इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा सबसे पहले कि आपको आखिर छज्जा निकालना कितना है। अगर आपको 1.5 से 2 फीट के आसपास तक का छज्जा निकालना है तो फिर आपका ये जो काम आप देख पा रहे हो, चलिए थोड़ा नज़दीक चल के आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से छज्जा निकालते हो, इसका मोटाई कम से कम आपको 4 इंची ज़रूर रखना ढलाई के मामले में। उसके साथ साथ 10 mm का सरिया कम से कम आपको प्रयोग ज़रूर करना है। लेकिन जैसे ही 2 फीट से ज़्यादा आपका काम आता है छज्जा निकालने का काम, तो फिर आपको उसके साथ साथ बीम का ज़रूरत ज़रूर पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो बीम आप देख पा रहे हो ये फ्लोर बीम है। अगर 2 फीट से ज़्यादा आपको छज्जा निकालना है, 2 से 2.5 फीट तक, तो इस तरीके से आपको छज्जा के साथ में ये जो बीम आप देख पा रहे हो जिसे हम लोग फ्लोर बीम बोलते हैं, थोड़ा पीछे चल के बताता हूँ आप लोग को। देखिए 2.5 फीट तक का छज्जा निकालना है तो फिर ये जो आप बीम देख पा रहे हो, जैसे कि ऊपर वाला आप देख पा रहे हो तला में जो छत का ढलाई किया गया है, तो छत के साथ में जो छज्जा का ढलाई किया जाता है उसमें 2.5 फीट के आसपास तक आपको बाहर छज्जा के साथ में बीम का काम करवाना होगा। मतलब छज्जा के साथ साथ आपको ये जो बीम आप देख पा रहे हो उसका कास्टिंग करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 फीट है, तो आपको बीम के साथ कास्टिंग है वो करना होगा। लेकिन 2.5 फीट से जैसे ही आपका आगे बढ़ता है छज्जा, मतलब 3 से 3.5 फीट के आसपास तक अगर मान लीजिए छज्जा निकालना है, 4 फीट तक भी आपको छज्जा निकालना है, तो फिर आपको ये पट्टी बीम देना होगा। ये पट्टी बीम क्या होता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा नज़दीक से। जैसे कि ये जो आप फ्लोर बीम देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से छत का ढलाई के साथ में आपने इससे बाहर तो कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, लेकिन ये जो आप बीम देख पा रहे हो ये है पट्टी बीम। इधर से आया फ्लोर बीम आगे की तरफ, फिर बीच में आया आगे की तरफ, उसके साथ फिर साइड में भी आया आगे की तरफ। 3 से 4 फीट तक का जो छज्जा निकाला जाता है उसमें कुछ इस तरीके से पट्टी बीम आपको ज़रूर दिलवाना है। हालांकि जो इसका डेप्थ होता है वो आपको 9 से 10 इंची तो आपको रखना ही है, जैसे कि यहाँ पर रखा गया है देख सकते हो, लेकिन जो इसका थिकनेस है उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा यहाँ लोड नहीं आता, इसलिए जो इसका थिकनेस है जो नीचे से आप देख पा रहे हो, ये जो पट्टी आपको नज़र आ रहा है, इसको 3 से 4 इंची के आसपास तक में आप रख सकते हो। लेकिन डेप्थ जो है, जैसे अगर आई है, कम से कम आपको 10 इंची ज़रूर रखना चाहिए और इसमें कम से कम आपको 12 mm का सरिया इस्तेमाल करना है। तो देख लीजिए आपने कि किस तरीके से छज्जा निकालना है, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। अगर 2 फीट तक छज्जा निकालना है तो बिना किसी बीम के आप इस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन 2.5 फीट तक निकालना है तो फिर आपको इस तरीके से नीचे का जो फ्लोर बीम है देख पा रहे हो लटक बीम, उसको देना होगा। लेकिन 3 से 4 फीट तक निकालना है तो यह फ्लोर बीम के साथ में, लटक बीम के साथ में, ये पट्टी वाला बीम भी आपको ज़रूर दिलवा देना होगा। अगर इस तरीके से आप अपने घर के लिए छज्जा का निर्माण करते हो, कभी भी आपका आने वाले दिन में छज्जा में क्रैक्स नहीं आएगा, टूटने फूटने या फिर गिरने का समस्या है वो नहीं आता है, क्योंकि ये जो आप बीम देख पा रहे हो, ये जो बीम लगा हुआ है, चाहे लटक बीम हो चाहे पट्टी बीम हो, ये बीम के चलते जो छज्जा का मजबूती बरकरार रहता है। इसीलिए देख सकते हो नीचे वाले तल में भी और उसके साथ ऊपर वाले तल में भी कुछ इस तरीके से बीम का कास्टिंग है वो किया गया है। साथ में ये 1.5 से 2 फीट के आसपास तक का इस तरीके से छज्जा निकाला गया, किसी तरीके का सपोर्ट का काम है वो नहीं किया गया है, सपोर्ट नहीं दिया गया है। तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो से आपको अपने बनने वाले घर के लिए थोड़ा सा जानकारी ज़रूर मिल गया होगा। अगर ऐसे बहुत सारे बनते हुए घर का डिज़ाइन और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।